वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एस बी एस वी अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर के टॉप 15 क्वेश्चंस के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो टॉप 15 क्वेश्चन हैं, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पावर डायोड क्या होते हैं, यह नॉर्मल डायोड से किस प्रकार भिन्न है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पावर डायोड्स क्या होते हैं, या इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए जो पावर डायोड होता है वो अन्य डायोड से किस प्रकार भिन्न होता है, तो फ्रेंड्स अगर आपके एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन पावर डायोड क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स आपको इस टाइप से लिखना चाहिए, पावर डायोड तथा ट्रांजिस्टर की वोल्टेज, करंट तथा पावर रेटिंग उसके संगत या समान सिग्नल डायोड से काफ़ी अधिक होती है। और फ्रेंड्स, जो पावर डायोड हैं, पावर अर्धचालक युक्तियां पावर इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज की जाती हैं। और फ्रेंड्स, जो पावर डायोड हैं, इनका यूज फ्री व्हीलिंग डायोड, एसी टू डीसी कन्वर्टर इत्यादि में किया जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायक की संरचना VI वोल्टेज करंट करैक्टरिस्टिक्स तथा रेटिंग के बारे में बताइए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो फ्रेंड्स आपको लिखना होगा कि जो डायक है, चार लेयर वाला और दो टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। और फ्रेंड्स, जो डायक है उसमें MT1 तथा MT2 इसके टर्मिनल होते हैं, इसमें कोई कंट्रोल टर्मिनल नहीं होता है। और फ्रेंड, जो डायक है वो सिमेट्रिकल होने के कारण इसके VI करैक्टरिस्टिक्स पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में समान प्राप्त होते हैं, जो कि इसका डायग्राम दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये सब लिखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स तीसरे क्वेश्चन के बारे में। अगर फ्रेंड्स आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि ट्राय की संरचना VI करैक्टरिस्टिक्स तथा रेटिंग के बारे में समझाइए, तो फ्रेंड्स अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको लिखना चाहिए जो ट्रायक है वो एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है और इसको पॉजिटिव या निगेटिव गेट सिग्नल से ट्रिगर किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, जो ट्रायक है, ट्रायक को दो SCR का एंटी पैरेलल कनेक्शन, मतलब इनवर्स कनेक्शन भी माना जा सकता है। और फ्रेंड्स, जो इसका VI करैक्टरिस्टिक्स का डायग्राम है वो भी आपको बनाना होगा। और फ्रेंड्स, जो वर्किंग वगैरह है ये भी आपको लिखनी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आपको ये सब लिखना ही है। अब बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इंडक्शन हीटिंग और डाइइलेक्ट्रिक हीटिंग में क्या अंतर है तथा इनके प्रयोग भी बताइए। फ्रेंड्स, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इंडक्शन हीटिंग किसे कहते हैं या डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग किसे कहते हैं और इनके अनुप्रयोग के बारे में भी बताइए, या फ्रेंड्स आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए इंडक्शन हीटिंग और डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग में क्या अंतर है तथा इसके अनुप्रयोग भी बताइए, तो फ्रेंड्स आपको लिखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो इंडक्शन हीटिंग है, इंडक्शन हीटिंग वह प्रोसेस है जहाँ किसी चालक पदार्थ या धातु को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द्वारा हीट किया जाता है, उसे ही हम इंडक्शन हीटिंग कहते हैं। अब बात कर लेते हैं डाइइलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में। डाइइलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होता है? फ्रेंड, जो डाइइलेक्ट्रिक हीटिंग है वह तापन की वह विधि है जिसमें कि किसी अचालक पदार्थ, मतलब नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, जैसे कि वुड, प्लास्टिक, बोन, सिरामिक का तापमान उच्च आवृत्ति के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से बढ़ाया जाता है, उसे ही हम डाइइलेक्ट्रिक हीटिंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप ये सब लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइक्लो कन्वर्टर का सिद्धांत समझाइए तथा परिपथ बनाइए। तो फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में अगर साइक्लो कन्वर्टर के बारे में क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको लिखना होगा
साइक्लो कन्वर्टर वह युक्ति है जो किसी आवृत्त की प्रत्यावर्ती विद्युत को कम आवृत्त की प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति में बदलता है, उसे ही हम साइक्लो कन्वर्टर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चॉपर का सिद्धांत समझाइए तथा परिपथ बनाइए। तो फ्रेंड्स, चॉपर क्या होता है इसके बारे में पहले हमको बताना है। तो फ्रेंड्स, जो चॉपर होता है वह एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ के शक्ति के प्रवाह को नियंत्रित, मतलब कंट्रोल करने के लिए पावर सप्लाई को निर्धारित अवधि के लिए ऑन तथा ऑफ करती रहती है। ये हो गया फ्रेंड्स चॉपर। और फ्रेंड्स, जो इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन हैं, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इन सब के बारे में लिखना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन चॉपर का सिद्धांत समझाइए तथा परिपथ बनाइए, तो आपको इस टाइप से लिखना होगा और उसका डायग्राम बनाना होगा, उसके सिद्धांत के बारे में लिखना होगा, ये सब आपको करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, चॉपर के बारे में पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर पर टिप्पणी लिखें। तो फ्रेंड्स, अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या होता है इसके बारे में बताइए, तो आपको फ्रेंड्स पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के बारे में लिखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डुअल कन्वर्टर का सिद्धांत समझाइए व इसका परिपथ बनाइए। फ्रेंड्स, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है डुअल कन्वर्टर क्या है तथा इसका सर्किट डायग्राम बनाइए, तो फ्रेंड्स डुअल कन्वर्टर के बारे में आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें पूरी डिटेल के बारे में दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो डुअल कन्वर्टर होता है वह परिपथ होता है जिसमें दो कन्वर्टर होते हैं, जिसमें एक ब्रिज कन्वर्टर की तरह तथा दूसरी ब्रिज इन्वर्टर की तरह कार्य करती है। फ्रेंड्स, जो डुअल कन्वर्टर है वो थ्री फेज या सिंगल फेज हो सकती है, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। नंबर एक, इल्यूमिनेशन कंट्रोल। सेकंड, टेम्परेचर कंट्रोल। तो फ्रेंड्स, अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि इल्यूमिनेशन कंट्रोल क्या होता है या टेम्परेचर कंट्रोल क्या होता है, इन पर टिप्पणी लिखिए, तो फ्रेंड्स इन सब के बारे में लिखने के लिए मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए आप, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एससीआर की ट्रिगरिंग से आप क्या समझते हैं। ट्रिगरिंग की विभिन्न विधियों के विषय में बताइए। फ्रेंड्स, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो एससीआर की ट्रिगरिंग है उससे आप क्या समझते हैं, या एससीआर की ट्रिगरिंग कितनी विधियों से की जाती है, इसके बारे में बताइए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना चाहिए, किसी एससीआर या थायरिस्टर को ऑन करने को उसकी ट्रिगरिंग या फायरिंग कहते हैं। फ्रेंड्स, जो एससीआर होते हैं उनको ट्रिगर करने की कई विधियां हैं, जैसे कि थर्मल ट्रिगरिंग, रेडिएशन ट्रिगरिंग, वोल्टेज ट्रिगरिंग, DV/DT ट्रिगरिंग, गेट ट्रिगरिंग। फ्रेंड्स, इन सभी विधियों की पूरी डिटेल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ट्रांसड्यूसर क्या है, तो आपको लिखना चाहिए, ट्रांसड्यूसर वे होते हैं जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये लिखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, एससीआर की विभिन्न कम्यूटेशन विधियां बताइए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि एससीआर की विभिन्न कम्यूटेशन विधियां कौन कौन सी हैं, तो आपको लिखना चाहिए, थायरिस्टर को ऑफ करने की विधियां थायरिस्टर कम्यूटेशन विधियां कहलाती हैं। फ्रेंड्स, ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है नेचुरल
और एक होती है फोर्स्ड। अगर हम नेचुरल की बात करें तो नेचुरल कम्यूटेशन एसी धारा की स्थिति में संभव होता है, और जबकि फोर्स्ड कम्यूटेशन है वो डीसी में प्रयुक्त होती है। तो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी विधियाँ, तो आपको इसी टाइप से लिखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्टिव तथा पैसिव ट्रांसड्यूसर में अंतर समझाइए। अगर दूसरी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है और पैसिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है, बताइए। तो फ्रेंड्स, आपको लिखना चाहिए कि वह ट्रांसड्यूसर जो बाहरी स्रोत से पावर प्राप्त करते हैं उन्हें हम पैसिव ट्रांसड्यूसर कहते हैं, और फ्रेंड्स, जो वह ट्रांसड्यूसर जिन्हें कार्य करने हेतु बाहरी पावर स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें हम एक्टिव ट्रांसड्यूसर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर इस टाइप से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्वर्टर के मूल सिद्धांत को समझाइए। इन्वर्टर का मूल सिद्धांत क्या है, उसके बारे में बताइए। तो फ्रेंड्स, आपको लिखना चाहिए, इन्वर्टर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल मशीन है जो डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करती है। कुछ इन्वर्टर ऐसे होते हैं जो एसी को डीसी में बदलने का कार्य करते हैं। इन्वर्टर को साइलेंट जनरेटर भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एससीआर की संरचना, वीआई करेक्टरिस्टिक्स तथा रेटिंग के बारे में बताइए। फ्रेंड्स, डायक, ट्रायक और एससीआर की संरचना और वीआई करेक्टरिस्टिक्स तथा रेटिंग के बारे में बताइए। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको लिखना होगा, एससीआर चार लेयर वाली युक्ति है जिसमें क्रमवार पीएन पीएन लेयर होती है। गेट को कैथोड के पास वाले पी लेयर से कनेक्ट किया जाता है तथा इस गेट पर पॉजिटिव सप्लाई देकर उसे ट्रिगर किया जाता है। एससीआर में तीन जंक्शन होते हैं, G1, G2 और G3। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चंस की पूरी डिटेल जानने के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, जिनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।